और कितना केंद्र सरकार मोदी सरकार कामयाब रही है लोगों को बेहतर इलाज दिलाने के लिए, उसको लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और हमने देखा है हमारे देश का सौभाग्य है ज्यादातर डॉक्टर बहुत परोपकारी होते हैं, सेवाभावी होते हैं, वो पैसों के लिए जीते नहीं है, उनके लिए तो पेशेंट के चेहरे की खुशी यही डॉक्टरों की जिंदगी होती है। आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर तो 24-24 घंटे सो नहीं पाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और ये कोई कमाई का खेल नहीं है, वो मेहनत दिल से करते हैं, उनको लगता है कि मेरा पेशेंट खुश होकर के घर चला जाए बस उसी का उनको आनंद होता है। और वो भी जब इतनी महंगा ऑपरेशन होते थे बड़े दुखी होते थे, अब एक डॉक्टर मदद करना चाहे तो भी क्या करेगा, वो बेचारा फीस कम कर देगा, कुछ दवाइयां खुद के अपने जो सैंपल की आती होगी वो दे देगा, अस्पताल के अंदर जो बाकी लोगों को पैसा देना पड़ता है वो भी शायद नहीं देगा, लेकिन उसके बाद भी वो उतनी मदद एक डॉक्टर नहीं कर सकता है। आखिरकार डॉक्टर के मन में भी परेशान होती थी कि वो पेशेंट को देखता है, उसकी तकलीफ देखता है, और पैसों के कारण वो परेशानी भी देखता है, खुद मदद कर नहीं सकता है, सेवाभावी डॉक्टर है, परोपकारी डॉक्टर है, तो ये सारी चीजें कभी कभी डॉक्टर भी आके कहते थे कि मोदी जी कुछ तो करना चाहिए ताकि इन मध्यम वर्ग के परिवार, गरीब परिवार, और जब आज सारी इतनी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, लेकिन कीमतों को कम करने के सरकार के फैसले से अब हमारे डॉक्टर मित्र भी खुश हैं, पेशेंट भी खुश हैं, और अब डॉक्टर और पेशेंट खुश हैं तो मैं और आप भी बहुत खुश हैं। इसी तरह डायलिसिस करने का खर्च भी ज्यादा था और साथ ही उसकी सुविधा केवल गिने चुने शहरों में ही होती थी। देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इससे काफी प्रभावित होते हैं। आपको यह जानकर संतोष होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम हमने शुरू किया और उस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही कम खर्च में करीब करीब 2.25 लाख मरीजों के लिए डायलिसिस के 22 लाख से ज्यादा सेशन हो चुके हैं। इस देश के 500 से अधिक जिलों में, यानी करीब करीब 80% जिलों में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। वर्तमान में लगभग 400 जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में ये सेवाएं चल रही हैं, जबकि करीब 3200-3300 मशीनें, जो भले मशीन महंगी होती है लेकिन ला ला करके हम लगा रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आज दूर खराज इलाकों में भी किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती गई है, पेशेंट के लिए डायलिसिस जिंदगी जीने के लिए जरूरी हो गया है। ऐसे कई पेशेंट हैं, मैं आज उनसे सुनना चाहूंगा। हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश के श्रीमान विजय बाबू गारू मेरे सामने हैं। विजय बाबू जी, एला उन्नारू। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री डॉक्टर से, मरीजों से खुद संवाद स्थापित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं नमो ऐप के जरिए, क्योंकि कई बड़ी योजनाएं लाई गई केंद्र सरकार की तरफ से, हेल्थ पॉलिसी को रिवाइज किया गया, उसको नई दिशा देने की कोशिश की गई, मजबूती देने की कोशिश की, और उसके बाद इसका कितना असर हुआ है धरातल पर उसको जानने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी जुड़ गए, क्योंकि SMS जो हॉस्पिटल है वहां पर भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा था स्टाफ में, डॉक्टर्स में। विकास, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही है, अभी SMS हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहां पर क्या नजारा, कितना उत्साह? सुषमा, हम अभी जयपुर कलेक्ट्रेट पे खड़े हैं, जहाँ पे जो VC के जरिए मरीज और डॉक्टर्स जो हैं वो प्रधानमंत्री से सीधा संवाद कर रहे हैं, संवाद जो है उनके बारे में देख रहे हैं हम। आपको मैं मेरे कैमरा पर्सन संजय को कहूंगा कि एक बार वो विजुअल्स दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको कि ये जो मरीज है ये वो मरीज है जो केंद्र की जो योजना है, विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, चाहे वो औषधि जन औषधि केंद्र की बात करें, या फिर स्टंट की जो दरें निर्धारित की गई है वो बात करें, या फिर जो नीव रिप्लेसमेंट की दरें निर्धारित की गई है, इन सभी की जो दरें निर्धारित की गई है उनके जो
बेनिफिशियरी मरीज हैं उन सभी मरीज की जो मरीज हैं वो सभी बेनिफिशियरी मरीज हैं और इन सभी मरीजों से सीधा संवाद जो कर रहे हैं पूरे देश भर से मरीजों से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो सीधे जुड़ रहे हैं और उनसे उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि आखिरकार जो ये सरकार की योजनाएं लागू की गई सीधी आम गरीब जनता से जुड़ी हुई योजनाएं लागू की गई जिसमें स्टंट के दाम तय करना है नीव रिप्लेसमेंट के दाम तय करना है और जो जन औषधि केंद्र है उनके दाम उनको नए औषधि केंद्र जो है उनको उनसे क्या लाभ हो रहा है सस्ती दर पे दवाएं मिल रही है इन सभी के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। हम बात करें कटक की तो कटक से एक महिला से जो मोदी जी मिलते हैं जुड़ते हैं तो उनसे उनसे संपर्क करते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं तो उन्होंने बताया कि जो दवाएं वो 3000 रुपये हर मंथ में लेती थी वो दवाएं अब 500 रुपये मिल रही है। हालांकि उस दौरान मोदी जी ने उनको सलाह भी दी कि अपना वजन कम करें रोज घूमें फिरें और स्वस्थ रहें और साथ ही सभी जो मरीज जो भी उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं उन सभी को ये राय दे रहे हैं कि डॉक्टर्स जिस तरह की सलाह देते हैं चिकित्सकीय परामर्श जिस तरह का दे रहे हैं उस परामर्श को भी गंभीरता से देखें सभी तरह की जो उपचार में दवाइयां जो दी जा रही उन दवाइयों का सही समय पर सेवन करें ताकि जो किसी भी तरह की जो लाभ जो डॉक्टर चाहते हैं वो सभी तरह का लाभ जो है वो दिया जा सके। जी तो ये बहुत बड़ी बात है लेकिन अगर एक्सरसाइज की बात की जाए यहाँ पर विकास बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी क्योंकि 4.5 साल में अब तक क्या कुछ हुआ है जो तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर क्या फीडबैक मिला है उस एक्सरसाइज के बारे में बताइए जो SMS हॉस्पिटल की तरफ से किया गया। देखिए अगर SMS हॉस्पिटल की बात की जाए तो अब तक जब से ये स्टेंट के दाम तय हुए हैं और नीव रिप्लेसमेंट के दाम तय हुए हैं उससे लेके अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा मरीज जो ऐसे हैं वो जो इसका लाभ ले चुके हैं उनकी सबकी सूचियां तैयार की गई थी उन सूचियों के आधार पर इन मरीजों का चयन किया गया। आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर जो मरीज जो है इन सबकी जो उम्मीदें हैं वो किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभान्वित हुए कितने खुश है क्योंकि सभी लोग फीडबैक जो ले रहे हैं उन सभी फीडबैक में ये देख रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हमको कैसे योजनाओं का फायदा मिला है जन औषधि केंद्र जो उनसे किस तरह का फायदा मिला है जन औषधि केंद्र के शुरू होने से कितनी दवाएं सस्ती मिली है और जो एक माना जाता है कि ड्रग माफिया जो सक्रिय था पूरे देश भर के अंदर ड्रग माफिया सक्रिय था कमीशन खुरिया खेल चल रहा था उन सबको रोकने के लिए जन औषधि केंद्र बहुत बड़ी एक पहल जो सरकार की तरफ से की गई थी उसका कितना फायदा मरीजों को मिल रहा है ये आप देख सकते हैं। जितने मरीज हैं बिल्कुल एक सामान्य श्रेणी के मरीज हैं और सभी सामान्य श्रेणी के मरीज हैं उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी सीधे SMS हॉस्पिटल से तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से मरीज यहां पर प्रधानमंत्री को सुन रहे। बहुत उम्मीद है क्योंकि एक सस्ती अच्छी सुविधा मिल सके स्वास्थ्य की, इससे ज्यादा आम जनता कुछ नहीं चाहती है और उसके लिए नई हेल्थ पॉलिसी लाई गई और उसका असर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिला कि भारत में अगर हेल्थ टूरिज्म की बात की जाए तो काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। लेकिन धरातल में हर एक आदमी तक, गांव और खेड़े का जो आदमी है, ढाड़ी का जो आदमी है, उस तक कितनी सुविधाएं मिली हैं उसको जानने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है।